शांति, बाप के साथ कंबाइंड, सच्चे वैष्णव, चैतन्य लाइट हाउसेस को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आ लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन, अब घर चलना है। पार्ट हो चला पूरा, तैयार हैं सभी, बन गए महिमा लायक। बाबा ने आकर हमें हम सो हम का अर्थ समझाया, बाजोली के खेल की याद दिलाई। तो जैसा हमारा पास्ट था, जैसे हम पास्ट में थे, बन गए वैसे हम, वॉइसलेस, निर्विकारी, पवित्र, घोरे। तो चेक करना है हमें, क्या हम महिमा लायक, पूजन लायक बने हैं। ईमानदारी से चेक करेंगे, माया के तूफान और अशांति से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते हैं 22 अगस्त 2024 की सत वाणी। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। 5000 साल का कल्प, बाबा कहते हैं तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया, पूरे 84 जन्म लिए और अब पार्ट पूरा हो गया, अब घर चलना है। नाटक पूरा हुआ, पार्ट पूरा हुआ, लौटने का समय है। प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो। हम है ना पद्मा पदम भाग्यशाली, तो किन शब्दों में हम महिमा करते। बाबा कहते उत्तर में, हम हैं ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। इतनी मनुष्य आत्माओं में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं निराकार भगवान आकर पढ़ाते हैं, हम हैं ब्राह्मण चोटी। दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है, किसका सबसे बड़ा पार्ट है, पोजीशन किसकी है सबसे बड़ी। उत्तर में बाबा कहते, निराकार बाप का, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं, सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है, सबसे बड़ा पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बाप का है। बाबा भी कहते ना, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ओम शांति, रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है, भूल तो नहीं गए हो। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना, घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, वह है शांति धाम सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम, इस दुख धाम के दुख से मुक्त होकर हमको जाना है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे जहां पवित्रता सुख शांति भी होगी। तो एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। बाबा कहते हैं, यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा कहेंगे स्वर्ग पधारा, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, शरीर छोड़ दिया, आत्मा चली गई, किसने लेफ्ट किया, आत्मा ने, शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। शरीर तो जला देते हैं, फिर कहते हैं ना कि वो हेवन चले गए, स्वर्ग चले गए, तो कौन गया, शरीर तो यहीं रह गया, जल गया,
या दफन कर दिया तो फिर गया कौन? तो आत्मा गई। तो ये समझना चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा ही जाती है, शरीर नहीं जाता। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो और कोई नहीं जानते। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ही नॉलेज है कि शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्थ्य का चौपड़े पर निकालते हैं, उनको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा कहते हैं गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं, स्वास्थ्य का चौपड़े पर निकालते हैं, फिर उसको गणेश कह देते हैं, उसको हाथी की सूंड दिखाते हैं। तो ये सब का अर्थ समझते ही नहीं है क्या है। बाबा कहते हैं पैसा खर्च करते हैं चित्र आदि पर, तो ये सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। बाबा कहते हैं ज्ञान के भी अस्त्र शस्त्र हैं। क्या है? ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। तो ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब क्या है? ये सभी तो हमारे सब्जेक्ट हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। इनके बल पर ही तो हम विकारों पर जीत पाते हैं, डबल अहिंसक बनते हैं। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से या बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे। वहाँ पे शरीर तो नहीं है ना, जीव नहीं है, आत्माएं हैं खाली। तो यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए। हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। यह भी बुद्धि में रहे, हम वहाँ रहते हैं इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। आकाश के उस पार भी आकाश है, तो वहाँ पर सूर्य चांद नहीं है। हम वहाँ के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आए हैं, 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं, सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। हाँ, ऑलराउंडर जिसमें बहुत सारे स्किल्स हो, बहुत काम कर सकते, सब काम कर सकते, कुछ भी बोलो। तो बाबा कहते तुम भी ऑलराउंडर हो, क्यों? आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं, जो आत्माएं बची हुई हैं देखो आ रही हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम सो कौन थे? हम, वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा हैं।
उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं है। हाँ, कितने वर्ष का ड्रामा, आदि मध्य अंत क्या है कुछ नहीं पता। आत्मा परमात्मा थोड़ी है। तो हम सो हम, तो हम ही ब्राह्मण, हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर हम ही ब्राह्मण और फिर देवता बनते हैं। तो उनको कुछ भी नहीं पता है। तुमको बाप ने समझाया है इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंचते ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। हम सब डोर में बंधे हुए हैं। हमारी डोर किसके हाथ में है, क्या कहते हैं? हाँ, हम सब एक्टर्स हैं, ऊपर वाले के हाथ में डोर है। तो ड्रामा के धागे में पिरोई हुई है, ऊपर वाला भी ड्रामा में बंधा हुआ है। तो अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। समर सॉल्ट है ना, स्वदर्शन चक्र, यही बाजोली है। तो विराट रूप दिखाते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर लेटी डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो। चोटी, चोटी सबसे ऊंच होती है, इसलिए देखो चोटी रखने लग गए ब्राह्मण, बालों की चोटी रखने लग गए। तो तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाए? चोटी सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंचा कौन? बाबा कहते हैं तुम्हारा कुल सबसे ऊंचा। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। अपनी महिमा याद है? बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यह तो है निराकार बाप। स्कूल में बच्चे कहते हैं ना, ये हमारा फेवरेट टीचर, वो हमारा फेवरेट टीचर। हमारा फेवरेट टीचर कौन है? बाबा है, बाबा जैसा कोई। तो बाबा कहते हैं यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवान उवाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं? हमको निश्चय नहीं होता। हाँ, हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे, कौन हमें पढ़ा रहा है, हमें तो निश्चय नहीं है, ऐसे कोई स्टूडेंट कहेगा? पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। या लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। सत्यम शिवम सुंदरम, तो बाबा तो सच ही बताएंगे ना, कोई रॉन्ग तो बताएंगे ही नहीं। तो बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर आत्मा देखो राजा बन के घूम रही है, लेकिन इंद्रियों के गुलाम है। समझते खुद को राजा है। तो सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। राजा रानी का शासन सतयुग में था, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडे तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। किसी को बताएंगे तो मानते भी नहीं है। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी
हो न सके। पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पतित दुनिया विशेष और वह है वॉइसलेस। आधा आधा भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। यह है पतित दुनिया विशेष और वह है वॉइसलेस। लाखों वर्ष कहे तो कैसे आधा आधा हो। बाप कितना ऊंचते ऊंच है परंतु कितना साधारण है, इसीलिए तो पहचानते नहीं ना। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाहर से तो किसी का कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है ना। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। सारे गुणों में फुल हैं, हमें देखो फूल बनाते हैं। बाबा हैं ज्ञान का सागर। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग-अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। सबका पद अलग, कर्तव्य अलग है, महिमा अलग है, अधिकार अलग है। तो यह फिर है ऊंचते ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक न मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह। हाँ, डबल रोल होता है ना किसी का, देखो ट्विंस होते हैं तो भी मूंझ जाते हैं। कई मूवी भी देखी है ना कि दो एक जैसे दिखते हैं तो फिर मूंझ जाते हैं कि अरे ये पति है या ये पत्नी है। हाँ, कोई ट्विंस बहने हो, ट्विंस भाई हो तो होता है ऐसा। तो बाबा कहते हैं यह तो बेहद का खेल है, इसमें एक न मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं, नेचर भी अलग, फीचर्स भी अलग। आयु भले एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। चलो कभी दो आत्मा एक साथ शरीर छोड़ भी दें, लेकिन फीचर्स तो अलग अलग हैं। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता, ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। कि किसी का पार्ट कोई बजा ले वो हद के नाटक में हो सकता है, लेकिन बेहद के नाटक में नहीं हो सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं। सबके फीचर्स अलग अलग हैं, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? चलो श्री कृष्ण वो मानते गीता का भगवान, तो क्या किताब हाथ में थी? शिव बाबा हैं गीता का भगवान, तो क्या कोई शास्त्र हाथ में है? वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़े ही ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो यह सब ड्रामा में नोंद है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है, चक्र पूरा हो फिर नए सिर शुरू होगा। खत्म होगा तो फिर वन वन से स्टार्ट होगा। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो पार्ट बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। कोई नाप जोख नहीं सकता ना, सागर अथाह गहरा है और आकाश भी देखो अनंतानंत है। कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत कहते हैं। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। हाँ, और ऊपर जाने की, और नीचे जाने की। तो साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पार्ट होगा।
तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं, तभी तो कहते हैं ना, आप लोग को ये सब कहाँ से पता चला। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण की आत्मा बैठकर सुन रही है तो उनका नाम डाल दिया, यह काली आत्मा वह गोरी आत्मा, काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी है, नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला, कौन पढ़ाते हैं ये गीता पाठशाला, कौन चला रहा है? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसके लिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। बाबा ने बताया ना, हम आत्माएं अमर हैं और अमर लोग सतयुग में हम जाते हैं। आत्माएं अमर, ऐसा नहीं कि मरेंगी नहीं, वहां पर शरीर नहीं छोड़ेंगी, ऐसा नहीं, लेकिन आयु पूरी होती है तो अमर लोक में जाते हैं। अमर कथा है, जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी, जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? कितने बार आए हो? बाबा पूछ रहे हैं, मेरे पास कितने बार आए हो या इस दुनिया में कितने बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है, कहेंगे ना, फिर भी कभी तो शुरू हुआ होगा। साइकिल का, चक्र का शुरुआत अंत कोई बता सकता है? सर्कल का फिर भी बता दे, लेकिन साइकिल तो चलता ही रहता है ना, अनवरत है। तो बाबा कहते हैं यह तो अनादि चला आ रहा है, गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। हाँ, ऐसे प्रश्न अब हम पूछें ये तो ख्याल भी नहीं आता, गिनती कर ही नहीं सकते। अनादि, अनादि माना शब्द में ही अर्थ है ना, अन आदि, जिसका कि आदि नहीं, शुरुआत नहीं, अंत नहीं, तो फिर कब आदि कब अंत? शास्त्रों में सभी हैं भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो, वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। हाँ, नोबल पुरस्कार देते हैं, न जाने क्या क्या पुरस्कार देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? हाँ, प्राइज तो हमें देना चाहिए ना बाबा को, वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, बल्कि बाबा हमें प्राइज देते हैं क्योंकि हम मददगार बनते हैं, तो वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं, यह समझने की बातें हैं। बाबा तो दाता है ना, बाबा कोई प्राइज के मोहताज थोड़ी है। कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं है, वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं, वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं, साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है, यूज करो तो सुख है, मिस यूज करो तो दुख है, अति यूज करो, एक्सट्रीम में जाओ तो फिर तो दुख ही दुख है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी, इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया। हाँ, इटली में एक शहर है पोम्पिया, कैसे ध्वस्त हुआ, अभी भी रुइंस हैं, एज इट इज रख रखा है। तो बाबा कहते हैं माया का कितना पॉम्प है, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। तो माया का पॉम्प है, ये भी माया नगरी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं, धूल धूसरित हो जाएगी पता नहीं। बाबा कहते हैं साहूकारों के लिए फिर भी यहाँ पे अभी स्वर्ग है, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, हाँ क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इसको स्वर्ग समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, उस भोग विलास को ही तो हम भी स्वर्ग समझते थे ना, भौतिक सुख सुविधाओं को ही स्वर्ग समझते थे। तो यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं, यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। अभी है ऐसा कि सिर्फ घर और राजधानी याद आए, शांति धाम और सुख धाम याद आए?
अभी कुछ और याद आ रहा है, माना कि अभी हम याद की यात्रा में पक्के नहीं हैं। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी, अभी भी बिजनेस, नौकरी, घर गृहस्थी संबंधी ये सब याद आ रहा है, माना याद की यात्रा पक्की नहीं है। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, दुख की बात नहीं। तो ये हार्ट फेल होना तो अच्छा है ना, कलयुग में ऐसी मौत अचानक की, बिना दुख भोगे बिना प्रताड़ना के शरीर छूट जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं, दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे, बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। तो अपना हक ले लिया बाबा से, हक ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है, सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान है अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। उमंग उत्साह नहीं होगा तो कैसे उड़ान भरेंगे? यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। जीवन में अब रस है, एक रस। बाबा कहते हैं नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो, उमंग उत्साह है तो वो काम भी कर लेते हैं, सफलता मिल जाती है। तो जिसमें उमंग उत्साह, वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सहजता से कर लेते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। हाँ, कोई भी तूफान आए तो हमें तोहफा लगे, कोई भी परीक्षा है, समस्या है, तो खेल लगे, मनोरंजन लगे, ऐसा होता है हमारे साथ। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। चेक करना है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती है क्या अभी भी? हाँ, लगता है कि बहुत बड़ा पेपर आ गया हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। हाँ, खेल लगना चाहिए, मनोरंजन लगना चाहिए, कार्टून शो लगना चाहिए। कितनी बातें बाबा ने बताई हैं, तोहफा। हाँ, तूफान तोहफा है, गिफ्ट है। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है, उड़ान भरनी है। स्लोगन, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। कितना अच्छा उदाहरण दिया बाबा ने। हम अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू फैलाने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए, वास दूर करने के लिए, तो बाबा कहते हैं शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बात समाप्त हो जाएगी। जहां शांति है वहां अशांति नहीं। तो कोई भी स्थूल अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, मन में शांति की वास धूप जगाओ, अशांति को दूर करो, दुर्गंध को दूर करो, सुगंध, शांति की सुगंध। तो ये थी आज की मुरली, अब घर जाना है। ऑलराउंडर पार्ट हम बजा रहे हैं, ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया, अब घर जाना है। तो क्या याद रखें?
हम सो हम, और आसपास सब माया का पॉम्प है। क्या याद रखें, अब घर जाना है, ऑल राउंड पार्ट हम बजा रहे हैं, अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। तो क्या याद रखें, हम सो हम, आसपास सब माया का पॉम्प है, और तूफान को तोहफा बनाना है, और शांति की वास्तु जगाना है, जलाना है, फिर घर जाना है। ओम शांति।